बुआ जी। यशोदा आओ बेटा बैठो। नहीं बुआ जी, आपसे कुछ बात करनी थी। अच्छा क्या बेटी? बुआ जी मैंने सोचा था कि अम्बा दीदी आ जाएंगी तभी गोद भराई की रस्म पूरी होगी, लेकिन उनका फोन आया था कि उनका प्रोग्राम पोस्टपोन हो रहा है। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं ये रस्म जल्द से जल्द पूरी कर लूं। भगवान तुझे हर बुरी नजर से बचाए। वैसे तूने मेरे दिल की बात कह दी, मैं भी यही सोचती हूँ। ठीक है मैं भाभी से बात करती हूँ। बुआ जी मुझे नहीं लगता कि माँ जी इस रस्म में शामिल होंगी। इस घर में जो कुछ हो रहा है, इतने झगड़े मनमुटाव, मुझे नहीं लगता माँ जी आएंगी। मैं आऊंगी क्योंकि मैं मानती हूँ कि इसमें आने वाले बच्चे का कोई दोष नहीं है। एक बात मैं जरूर कहूंगी बहू, जयंती की वजह से अगर ये रस्म सिर्फ रस्म की तौर से मनाई जाए तो बेहतर होगा। जीते रहो बेटा। ये आपने बहुत अच्छा किया भाभी। हो सकता है यशोदा का ये आने वाला बच्चा इस घर में फिर से खुशियां लाने का कारण बन जाए, टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ दे। कमली, मुझे लगता है हमें जाना चाहिए। क्या हो गया तुम्हें प्रीति? कमली अगर ये केस हम रीओपन करते हैं तो मेरा छोटा भाई अविनाश मुसीबत में होगा। Try and understand. ये हम अविनाश की भलाई के लिए कर रहे हैं। कैसी बातें कर रही हो तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि दोनों हालत में अविनाश को पुलिस के हवाले करना ही होगा। अगर उसने जुर्म किया है तो उसकी सजा पाने के लिए, और अगर नहीं तो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए उसे अपने आप को पुलिस के सरेंडर करना ही होगा। मगर ये जो हम कर रहे हैं वो हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। फायदे के लिए नहीं, जरूरत के लिए। और इसी बहाने में पता तो चलेगा कि अविनाश कहाँ है, कैसा है। पता नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। सॉरी। ये रही निखिल वर्मा मर्डर केस की फाइल। हमने इस मर्डर केस की फाइल को पेंडिंग में डाल दिया था। हमारी बहुत सारी कोशिशों के बाद जब कुछ नहीं हुआ तो हमें यही करना पड़ा। क्या मतलब? मतलब साफ है, हमारी कोशिशों को हवा देने के लिए निखिल वर्मा के फैमिली मेंबर्स को इस केस को फिर से रिवाइव करना पड़ेगा। हेलो, यस सर। हाँ सर मैं आ रहा हूँ। थैंक यू सर। सॉरी एक्सक्यूज मी। अब क्या करेंगे? हमें सोनिया के पास जाना होगा। व्हाट? हमारे पास कोई रास्ता नहीं है प्रतीक, किसी भी हालत में हमें ये फाइल खुलवानी होगी। जी कोई पूछने की बात है? पेमेंट मिल गई साहब? बिल्कुल मिल गई। आगे बोलिए आप। हाँ हाँ ब्लैक रोजेस हैं, 2 डजन मैं पहुंचा देता हूँ। और बोलिए। जी बिल्कुल पहुंच जाएंगे। जी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कहिए जी। यशोदा आई थी मेरे पास गोद भराई की रस्म के बारे में बात करने के लिए। उसे लगा था कि शायद मैं उसमें ना जाऊं, पर मैंने उसे कह दिया कि हम आने वाले बच्चे की खुशी के रस्म में जरूर हाजिर होंगे।
जी आप कुछ बोल नहीं रहे। मैंने ठीक किया ना? क्या कहूं इरावते, क्या कहूं? अब जब तुमने तय कर लिया है कि तुम उसकी गोद भराई में शरीक होगी तो ठीक है, लेकिन मैं ये सुन के खुशी से नाच उठूं ये उम्मीद मुझसे मत करना प्लीज। आपको नाचने के लिए किसने कहा? मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि आप अपनी खुशी बात करके या मुस्कुरा के जाहिर कर दीजिए। कोई खुशी की बात हो तब तो जाहिर करूं ना, या यूं ही बेवकूफों की तरह मुस्कुराऊं मैं? और सच बताऊं बीवी, मुझे अब इन बातों में कोई खुशी मिलती नहीं है। ढोंग है ये सब दिखावे हैं, किस लिए? सड़े गले रिश्तों को ये रस्म और रिवाज का नकाब पहनाना, क्या मिलेगा इससे? कुछ बदलेगा नहीं, कुछ नहीं। आप इतने पत्थर दिल हो गए। मैंने दिल को पत्थर कर लिया है इरावती, इसीलिए जिंदा हूं, वरना तो कब का खत्म हो चुका होता। क्या हो गया है आपको बाबूजी? क्या हो गया है? कहां गए वो बाबूजी जो हमें सहनशीलता सिखाते थे, मुश्किल से मुश्किल हालात का सामना मुस्कुराकर करने के लिए कहते थे? क्या हो गया बाबूजी? घर में वैसे इतनी परेशानियां हैं, आपकी बेरुखी से सब और परेशान हो रहे हैं। कितने प्यार से, कितने चाव से माँ जी आई थी आपके पास गोद भराई के बारे में बताने के लिए, रुला दिया आपने उन्हें। रुला दिया मैंने उन्हें। सबकी आंखों में आंसुओं का दोषी मैं हूं, मैं, सिर्फ मैं। मैं कुछ सोचूं, कुछ कहूं, कुछ महसूस करूं, ये तो हक है ही नहीं मुझे। सब चाहते हैं कि मैं बस खुश रहने का, मुस्कुराने का नाटक करता रहूं। तो ठीक है जी, मैं नाटक करूंगा। अगर आप सब चाहते हैं कि मैं गोद भराई में शामिल होऊं, तो मैं होऊंगा। जैसा जैसा आप बोलेंगे वैसा वैसा मैं करूंगा, क्योंकि मेरी सोच, मेरी इच्छाओं की तो कोई हैसियत अब इस घर में है ही नहीं। इसलिए मैं वही करूंगा जैसा सब लोग चाहेंगे। आप लोग कहेंगे कि ये दिन है तो मैं कहूंगा हाँ दिन है, मान लूंगा। आप कहेंगे रात है तो मान लूंगा रात। कहोगे बैठ जा तो बैठ जा, खड़े हो जा, खड़े हो जाऊंगा। एक एक डमरू और छड़ी ले लो सब अपने अपने हाथों में, नचाओ मुझे। बाबूजी नहीं, ऐसा कुछ मत कीजिए, बस हमें हमारे पुराने वाले बाबूजी लौटा दीजिए। सिर्फ पुराने वाले बाबूजी लौटा दीजिए प्लीज। वो मुश्किल है, वो मुश्किल है रंजन, बहुत मुश्किल है। नमस्ते, मैं प्रतीक, ये मेरी पत्नी काबेरी है। आप इंदर के? जी, इंदर हमारे जीजा थे। आपसे कुछ काम था? आप लोग बैठिए, मैं अभी आती हूँ।
कुछ काम था आपको? जी, हम आपसे अविनाश के केस के सिलसिले में बात करना चाहते थे। अविनाश? मेरा भाई अविनाश, जिस पर आपके भाई के मर्डर का इल्जाम है। कहिए। सोनिया जी, हम जानते हैं आपने अपना भाई खोया है, ये सब कहते हुए हमें अजीब लग रहा है। देखिए, जो होना था वो हो गया। ये सब कुछ करने से मेरा भाई वापस तो नहीं आ जाएगा ना? इट्स ओके, मुझे ये केस रीओपन नहीं करवाना है। सोनिया जी, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने भाई की मर्डर केस की फाइल फिर से रीओपन कराएं। ये जानते हुए कि अविनाश पर मेरे भाई के खून का इल्जाम है, आप इसे रीओपन क्यों करवाना चाहते हैं? सोनिया जी, अविनाश फरार है, पुलिस से भागता फिर रहा है वो, और हमारा ये मानना है कि जब तक वो मिल नहीं जाता, कानूनी कार्रवाई फिर से शुरू नहीं की जा सकती, और तब तक ये साबित नहीं हो सकता है कि वो कसूरवार है या फिर बेकसूर है। और अगर आप चाहें तो पुलिस हमारी मदद कर सकती है। देखिए, अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। जब मेरी जिंदगी में ही कोई मंजिल नहीं रही तो मैं क्या करूंगी किसी से बदला लेकर? आई एम सॉरी, मुझे ये केस रीओपन नहीं करवाना है, प्लीज। लेकिन ये केस रीओपन करने से आप सिर्फ हमारी ही नहीं, अविनाश की भी मदद कर सकती हैं। सोनिया जी, अगर आप चाहें तो एज ए लॉयर अविनाश के खिलाफ मैं ये केस लड़ सकता हूँ। ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो आप ये केस लड़ सकते हैं। ठीक है सोनिया जी, आपके कुछ सिग्नेचर्स चाहिए होंगे, वो मैं लेने आऊंगा। चलो। वाह सोनिया जी, भाई वाह, बहुत उम्दा खेल खेल रही हैं आप, क्या नाम से, आत्मा प्रसन्न हो गई। भाई के खिलाफ भाई केस लड़ रहा है, वाह, ये तो बहुत बड़ी खबर है, अब आएगा मजा। जय जय। क्या बात है महाराज जी, बड़े गाने शाने गुनगुना रहे हो। भैया आज हम बहुत खुश हैं। अच्छा, कल तक तो राकेश भैया से बड़े नाराज थे तुम। देखो, जोन बात नाराज होए वाली है वो अपनी जगह पे अलग है, बाकी कहा है कि वो जो छोटा सा बच्चा आ रहा है ना इस दुनिया में, और उसके आए की वजह से जो रसम मनाई जा रही है ना घर में, उसकी वजह से हम बहुत खुश है। अरे बहुत दिनों के बाद मिठाई बना के मौका मिली भैया। अरे महाराज जी, तुम्हारे साथ रहते रहते मैं सब्जी काटना भी सीख गया, मसाले पीसना भी सीख गया, आज मिठाई बनाना भी सीख जाऊंगा। बात रहे तो बस, अरे अच्छी तरह से पीस लूंगा। अरे हम कहे ना रहे दो, वो कहा है कि पूजा पर्व के पवित्र मौके पर हमको तुम अकेला छोड़ दो, वही हमारी खुशी है, समझो। ये क्या कर रहे हैं आप, पहले तो ढेर सारी सब्जियां कटवाते थे और आज हमें इस किचन से दूर रहने की बात कर रहे हैं आप। इस घर के बुरे वक्त पे तो साथ में रहते थे और आज इस घर पर जब खुशियां आई तो आज हम अपवित्र हो गए। देखो भड़क का आ रहे हो भैया, अरे बात समझे की कोशिश करो। सब समझते हैं महाराज जी, हम सब समझते हैं, आज के बाद आपका मेरा कोई रिश्ता नहीं। अरे भैया हम समझा के कह रहे हैं और तुम हो कि जो सब समझते हैं। हम समझते हो ना, तो चलो फूटो यहां से, चलो निकलो। जा रहा हूं मैं, लेकिन आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। नहीं करूंगा। चलिए आप जाइए, चलिए। अरे जाइए यहां से, मुंह ताकते हैं हमारा।
क्या हुआ? अच्छा नहीं लग रहा है कावेरी। क्या अच्छा नहीं लग रहा है? कावेरी, जिस लड़की ने हमारा घर बर्बाद कर दिया है, जिसने मेरी बहन जयंती को इतना दुख पहुंचाया है, उसी का सहारा लेकर मैं अविनाश की फाइल रीओपन करूं? वो भी जायदाद के लिए? तुम्हें क्या लगता है प्रति, कि मुझे ऐसा करना अच्छा लग रहा है? लेकिन अविनाश पुलिस का मुजरिम है, अगर वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है तो ये हमारे लिए भी अच्छा है और उसके लिए भी। कावेरी, मगर मैं अपने ही हाथों उसे पुलिस में। प्रतीक, पुलिस उसे एक ना एक दिन पकड़ ही लेगी। अगर वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है तो रिमझिम ही बंटवारा नहीं रोक सकते। तुम्हारी बात मैं समझता हूँ कावेरी। अगर समझ रहे हो तो फिर इस बात पर बहस क्यों कर रहे हो? ठीक है कावेरी, लेकिन माँ बाबूजी की इस बात की खबर नहीं लगनी चाहिए, और रिमझिम उसके कानों तक ये बात पहुंचनी नहीं चाहिए। प्रतीक, कावेरी अपना भला बुरा अच्छी तरह समझती है, और हम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं। चल। प्रतीक, कावेरी इधर आना। जी माँ। बेटा, कल यशोदा की गोद भराई की रस्म है। देखो, जयंती की वजह से कुछ बड़ा तो नहीं किया है, लेकिन रस्म होती है, पूरी तो करनी पड़ेगी। इसे सिर्फ घर के लोगों को बुलाया है। मैं चाहती हूँ कि घर का हर सदस्य खुशी खुशी इसमें शामिल हो। जी माँ। नहीं माँ जी, हम नहीं आएंगे। लेकिन कावेरी, बात तो सब कावेरी, बात समझने की कोशिश करो। मुझे समझाने की कोशिश मत करो, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कावेरी, खुशी के मौके उनकी पर उनकी खुशियां उन्हें मुबारक हो। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। मैं दिखावा नहीं कर सकती। लेकिन कावेरी, दुनियादारी भी कोई चीज होती है ना। दुनियादारी? तुम्हें कभी कभी देखकर मुझे हैरानी होती है प्रतीक, कि तुम कौन सी दुनिया में जीते हो। तुम्हारा बड़ा भाई रिश्तेदारी तक नहीं निभा पाया, अपने भाई और अपने बाप का हक छीन कर बैठ गया, और तुम दुनियादारी की बात करते हो। इस घर के लोगों का दिल बहुत बड़ा होगा, चले गए उनकी खुशियों में खुशियां मनाने, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। और आने की कोई जरूरत भी नहीं है तुम लोगों को। क्या समझते हो तुम, अगर तुम रस्म में शामिल नहीं होगे तो रस्में पूरी नहीं होंगी? राकेश भैया, मैं तुम तो बस रहने दो प्रतीक, दावा ठोका है ना तुमने मेरे ऊपर, तुमसे तो मेरी खुशियां देखी नहीं जाती। और जो आदमी मेरी खुशियों में शामिल नहीं है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। आई डोंट केयर। लो सुन लो, तुम्हें बड़ी परवाह हो रही थी ना कि कावेरी चलो हमें जाना चाहिए, दुनियादारी खुशी वगैरह वगैरह। देख लिया अपने भाई का रवैया? कावेरी बेटा, अब भी तुम्हें जाने का शौक है तो तुम जाओ, तुम्हें जितनी इज्जत मिलनी थी तुम्हें मिल गई, लेकिन मुझे अपनी बेइज्जती कराने का कोई शौक नहीं है प्रतीक।